हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सबका थैंक यू अदा करना चाहता हूं। आई मीन शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो आप लोग अपना कीमती समय निकालकर आज यहां मेरे दोस्त सुहास की पेंटिंग्स को देखने और खरीदने आए। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि सुहास की पेंटिंग ना ही सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि वर्ल्ड के बेस्ट होटल, ऑफिस और लोगों के घरों की शोभा बढ़ा रही है। कला की कोई कीमत नहीं होती है कदरदानों, और हम तो बहुत किस्मत वाले हैं जो महज कुछ रुपए खर्च करके इन पेंटिंग्स को अपने घर ले जा सकते हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मे आई प्रेजेंट यू माय डियर फ्रेंड एंड ब्रिलियंट आर्टिस्ट सुहास। थैंक यू। दोस्तों, मेरे दोस्त कार्तिक की ये बहुत पुरानी आदत है, ये तारीफों पे तारीफें करके मेरी टांग खींचता रहता है। आज मेरी जिंदगी का बहुत खास दिन है, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि आप सब लोग अपना कीमती समय निकालकर मेरी पेंटिंग्स देखते हैं, बल्कि इसलिए भी क्योंकि आज मैं खुद अपनी जिंदगी में रंग भरने जा रहा हूं, और उस रंग का नाम है आना। मुझसे शादी करोगे? प्लीज। Please, Anya. Yes, 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 yes. ये भी कोई पूछने की बात है सुहास? Of course, I'll marry you. पेंटिंग को उठाओ जल्दी से। ए साइड में, छोड़ दो हमें, जाने दो यहां से। ए निकल जल्दी से पेंटिंग। ए साइड में जा। ए चल पीछे जा। ए कोई हिलना मत, चल जल्दी। नहीं नहीं नहीं, प्लीज प्लीज, ये पेंटिंग नहीं, ये वार्निंग स्पेशली मैंने आने के लिए बनाई। सुहास, ए रोमियो जूलियट, अपनी लव स्टोरी अपनी जेब में रख, सब लेके जाएंगे। सुहास प्लीज जाने दो, ये लोग तुम्हारे पेंटिंग चुरा सकते हैं, लेकिन तुम्हारा टैलेंट नहीं, जाने दो सुहास। नहीं आन्या, सुहास जाने दो। ओए रोमियो, चल हट। ए! उस पेंटिंग को हाथ मत लगाना। बोला ना, ज्यादा हीरो मत बन, ये फिल्म नहीं है, ढेर कर दूंगा इधर ही। हीरो गिरी तूने अभी तक देखी कहाँ है?
हुआ? श्वास आगे को श्वास। कार्तिक, ये क्या कर दिया तुमने? मैंने कुछ नहीं। श्वास, श्वास, श्वास उठो श्वास। जल्दी पकड़ा जाएगा। आप प्लीज अपने आप को संभालिए। चलिए आपने उनमें से किसी का भी चेहरा नहीं देखा। चेहरे पे मास्क पहन रखा था उन्होंने। सर, मैंने बहुत कोशिश की उनके मास्क उतारने की, मगर नाकामयाब रहा। अरे, आपके हाथ में चोट लगी? नहीं, नहीं सर, ये चोट नहीं है, ये उन्हीं लोगों का खून है जो हाथापाई के दौरान लग गया था। सब उनका सैंपल उठाना। सब एक मिनट। पूर्वी, जरा मैग्नीफाइंग ग्लास है। सर। उंगलियों के निशान इतने ऊपर? सर, ये उंगलियों के निशान भी उन्हीं लोगों में से किसी एक के हैं, क्योंकि उनमें से एक आदमी के साथ मेरी हाथापाई यहीं पर हुई। हाथापाई की वजह से हाथों पे पहने हुए दस्ताने फट गए और उंगलियों के निशान यहां दीवार पे आ गए। ये उंगलियों के निशान ही हमें खूनी तक ले जाएंगे। ठीक है, कोशिश जारी रखो, कैसे भी कर हमें जल्द से जल्द उस बच्चे तक पहुंचना ही है। क्या हुआ सर, सारांश का कुछ पता नहीं चला? कुछ भी करके हम सारांश को ढूंढ ही लेंगे। दया, आर्ट गैलरी वाली बिल्डिंग की चोरी के बारे में क्या पता चला?
सर, लोकल पुलिस से एक ऐसे गिरोह के बारे में पता चला जो कीमती पेंटिंग की चोरी करती है सर, आर्ट गैलरी से और लोगों के घरों से। कीमती पेंटिंग्स? हाँ सर, इन पेंटिंग्स की कीमत कम से कम 2-3 लाख रुपए होती है। पिछले महीने बिजनेसमैन वीरेन के घर पे जो चोरी हुई थी पेंटिंग्स की, वो इसी गिरोह ने की थी। और इस हादसे से पहले आज तक कभी भी इनके लूट में किसी की जान नहीं गई है सर। पर सर, कितनी अजीब बात है, अगर किसी को पैसों के लिए चोरी करनी ही हो तो वो हीरे जेवर गहने चुराएगा, ये लोग पेंटिंग्स क्यों चुरा रहे हैं? वो लोग कला के कदरदान होंगे और इसलिए शायद पेंटिंग्स कलेक्ट करते होंगे। पर कीमती पेंटिंग्स ही क्यों? कम कीमत वाली पेंटिंग्स में क्या कला नहीं होती? नहीं नहीं नहीं, ये सब पैसों के लिए चोरियां हो रही है, पैसों के लिए। और ये पेंटिंग्स इतने महंगे हैं कि हर कोई तो नहीं खरीद सकता सर, खास ग्राहक ही होंगे जिन्हें ये चोरी के पेंटिंग्स बेचते होंगे। बिल्कुल सही दया, बिल्कुल सही, यही होता है। पहले सौदा होता होगा, फिर पेंटिंग की चोरी और फिर उसकी डिलीवरी। अरे वाह सर, ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे इंटरनेट पे ऑर्डर देकर सामान खरीदा जाता है। मेरी वाइफ ने तो सामान खरीद खरीद के मुझे कंगाल कर दिया, कंप्यूटर फूट डाला मैंने। बस फिंगरप्रिंट्स की डिटेल। ये डिटेल्स है, ना कोई नाम ना कोई चेहरा, कोई मजाक के सालों के? मजाक नहीं है बॉस, आर्ट गैलरी में जो फिंगरप्रिंट्स मिले थे उसके सिर्फ फिंगरप्रिंट्स की डिटेल है, कोई नाम पता हमारे रिकॉर्ड में नहीं है। रिकॉर्ड में फिंगरप्रिंट है मगर आदमी का नाम नहीं है? सालू के साहब, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तेरी समझ में आएगा भी नहीं यार, तू साफ साफ बताएगा। मजाक नहीं बॉस, 2 महीने पहले एक रॉबरी में लोकल पुलिस को कुछ फिंगरप्रिंट्स मिले थे जो कि इसी आदमी के थे। सर इसका मतलब 2 महीने पहले वाली रॉबरी में भी इस आदमी का हाथ था? आश्रया, और न सिर्फ इस आदमी का हाथ था बॉस, एक और आदमी के भी फिंगरप्रिंट्स उस रॉबरी में मिले थे और उसका नाम है वरुण। ये रही उसकी कुंडली। वरुण? 7 रॉबरी, 7 चोरियां कर चुका है ये। घर का एड्रेस है, फरार है, एब्सकॉन्डिंग। सर इतना तो कंफर्म हुआ कि ये दोनों पार्टनर्स हैं, वरुण और गैलरी के फिंगरप्रिंट वाला बेनाम आदमी। देख सर, काम करते हैं, इस वरुण के घर के आसपास जाकर पूछताछ करते हैं, जरूरी उंगलियों के निशान वाले बेनाम आदमी के बारे में कुछ ना कुछ तो पता चल ही जाएगा। इस दुकानदार से पूछते हैं। सुनिए भाई साहब। हाँ भाई साहब, क्या लेंगे आप? कुछ जानकारी लेंगे। इस आदमी को यहाँ पहले कभी देखा? जी आप लोग? हम लोग CID से हैं। आप? हाँ साहब, इसको बस इधर से एक दो बार आते जाते देखा है। गुड, कुछ और बता सकते हो उस आदमी के बारे में? और साहब शायद ही आंखों से देख नहीं सकता क्योंकि आंखों पे हमेशा ये काला चश्मा लगाए रखता है। भैया हो सकता है उसने फैशन के लिए वो काला चश्मा पहना हो। नहीं नहीं मैडम जी, क्योंकि इसके हाव भाव से भी ऐसा लगता है कि इसे आंखों से कुछ दिखाई नहीं पड़ता। सर फिर तो ये उस गैंग का हिस्सा नहीं हो सकता जिस गैंग ने आर्ट गैलरी में चोरी की थी। अच्छा भाई साहब, इस आदमी के साथ कोई और भी होता था या हमेशा अकेले ही देखा था इसे? होता था ना, दरअसल एक मोटरसाइकिल पे बैठ के आता था, कोई 20-22 साल के लड़के के पीछे बैठ के। सर हो सकता है ये 20-22 साल वाला आदमी उस फिंगरप्रिंट वाले आदमी का पार्टनर हो? हो सकता है। नाम क्या आपका? जी मोहन प्यारे। मोहन प्यारे? अच्छा मोहन प्यारे, आपने उस बाइक का नंबर तो जरूर देखा होगा। हाँ साहब, उसका नंबर 22333। और साहब आप कहें तो मैं उसका स्केच भी बनवा सकता हूँ। वेरी गुड, वैसे तुम्हारा नाम मोहन प्यारे नहीं, होशियार चंद होना चाहिए था। थैंक यू। सर यही है वो लड़का संजय जो वरुण के साथ बाइक पे दिखा था। टीसी कॉलेज का सेकंड ईयर स्टूडेंट है। कॉलेज का सेकंड ईयर स्टूडेंट? इतने महंगे पब में रोज क्रिकेट मैच देखने तभी आ सकता है जब पढ़ाई के साथ साथ काफी पैसे कमा रहा हो। सही कह रहे हैं सर आप,
ये कमाई इसने काफी टेढ़े ढंग से की है, उसी पेंटिंग की चोरियों में हाथ बटाकर। इसके हाथ में सीआईडी की हथकड़ी लगेगी। तो सर इसे अरेस्ट कर ले। नहीं निखिल, बीमारी को आधा नहीं जड़ से खत्म करना चाहिए। इसको पकड़ने से कोई फायदा नहीं है, हमें इसके एक एक साथी को पिंजरे में बंद करना है। मगर कैसे सर? क्रिकेट मैच देखते हो? हाँ सर, कभी कभी टाइम मिलता है तो देख लेता हूँ। क्रिकेट मैच के जरिए इसको बाउंड्री लाइन पे कैच आउट करेंगे हम लोग। टीम की शुरुआत बहुत अच्छी नहीं रही है, विकेट गिरने का सिलसिला यूं ही चलता रहा तो ये ठीक नहीं होगा, और ये बहुत ही करीबी मामला, और ये आउट। तीन विकेट के 15 रन, गेंदबाजों का बहुत अच्छा प्रदर्शन, बैटिंग लाइन लड़खड़ाती हुई। देखते हैं अब ये मैच आगे किस हद तक रोमांचक होता है। मैच में वापसी करने के लिए बल्लेबाजों को अच्छा प्रदर्शन करने की जरूरत है। गिरता हुआ चिंता का विषय बना हुआ है, बाउंड्रीज की बहुत जरूरत है, और ये लगा चौका, बहुत बढ़िया। और बैटिंग भी बहुत सॉलिड है उनकी, हर चौथी गेंद पे चौका लगाते हैं और छठी गेंद पे छक्का। अंकल आपको मेरे टीम की पावर का अंदाजा नहीं है। ओए अंकल ना कहीं, वैसे मैं तेरी उम्र का हूँ, चश्मा लगा लिया इसके लिए लग रहा हूँ। हाय हम संजय, मैं मलिंगा। मलिंगा आपके पेरेंट्स की शादी श्रीलंका में हुई थी क्या? बहुत कुछ जानता है मेरे बारे में तू, बात सही है मुंडे। मिस्टर मलिंगा देख लेना, जीतेंगे तो हम ही। वैसे जीत हार की बात है ना, तो अगर मैं जीता तो मैं तुझे पार्टी दूंगा, और तू हारा तो तू मुझे पार्टी देगा, लगी शर्त? एक मिनट, आप जीते मैं हारा तो पार्टी कौन देगा, आप या मैं? यार जीते कोई हारे कोई, पार्टी से मतलब है पार्टी, पार्टी होनी चाहिए बस। ओ भाई जरा देख के चलो ना। ए कबूतर पांव ठीक से रख, मुझे मत समझा। कबूतर किसको बोला रे? तुझको बोला, तुझको। लेकिन अगर तुझको कबूतर बोलेंगे तो कबूतर का इंसल्ट। तुझे कौवा कौवा बोलते हैं इसको, अच्छा लगा कौवा? दोस्त हाथ नहीं लगाने का, और तू सुन ले, कौवा जब चोंच मारता है ना तो सामने वाले की क्या हालत होती है तू जानता नहीं है। क्या होता है, क्या दर्द होता है बता, क्या होता है, क्या होता है? मुझे मार दिया लेकिन मेरे दोस्त को मत मारना। ए! तूने मेरे दोस्त को मारा, अब देख मैं क्या करता, मैं तेरे दोस्त को मारूंगा। हाँ तूने मेरे दोस्त को मारा, अब देख मैं तेरे दोस्त का क्या करता हूं। रे झगड़ा क्यों कर रहे हो? आप कहाँ झगड़ा कर रहे हैं, ये लोग कर रहे हैं गुंडागर्दी कर रहे हैं ये लोग। अरे देखो देखो झगड़ा मत करो नहीं तो वरना मैं पुलिस को बुला लूंगा। पुलिस की क्या बात है, कोई झगड़ा नहीं हमारा तो, बिल्कुल हम लोग तो ठीक है। आओ दोस्त निकल लो यार। डर गया क्या? चश्मेश देखो निकल लो निकल लो निकल लो निकल। अज्ञा डर गए, डर गए। आ जा वैसे सॉलिड हाथ मारा, एक इधर गिरा एक उधर गिरा। मुझे तो इस बात पे गुस्सा आया, मेरे दोस्त को हाथ कैसे लगा लिया इन्होंने। अरे ये तो ना अभी भी हमारा पीछा कर रहे हैं। पीछा कर रहे हैं, एक काम करते हैं और निकल जाते हैं यार, वो गुंडे लोगों के ज्यादा मुंह लगना ठीक नहीं है। शहर में गुंडागर्दी इतनी बढ़ गई है, आदमी आराम से क्रिकेट मैच भी नहीं देख सकता। ये बात तो है, और मैच नहीं देख सकते तो कोई बात नहीं, पार्टी तो कर सकते हैं। अभी इस वक्त? वक्त को गोली मारो यार, ऐसी जगह लेके जाऊंगा तबीयत हारी हो जाएगी तुम्हारी।
बैठो बैठो बैठो। चलो कमाल, लगता है इनके माँ बाप क्रिकेट के बहुत बड़े फैन होंगे। और मलिंगप्पा जी, ये गुड लुकिंग गुंडा कौन है तेरा? और यार, ये अपना नवा दोस्त है का, नवा दोस्त संजय नाम है इसका। ओए संजय पाजी। ओ यार, ये हम दोनों की तरह क्रिकेट का दीवाना है। दीवाना क्या बात कर रहे हैं, चला जा, खाते तारी करते हैं इसके भी। यार अपनी क्रिकेट टीम यहाँ मौजूद है कि नहीं? अरे फुलान जोश में। हाँ संजय पाजी, आप अपना ही घर समझो इसे, मैं दो मिनट में एंजॉय कर। थैंक यू। ओए और डेविड मार्शल, और की हाल है तोड़ा? बहुत बढ़िया। और चौके छक्के चल रहे? बहुत बढ़िया चल रहे। ससुरियों की हाल है? तो पता चला लेफ्ट कितने आएगा, आप कितने आएगा। और सिंपल है यार, वो सुनना, वो लेग को लेग स्टंप बोलते हैं और आपको ऑफ स्टंप बोलते हैं। सिखाना यार इसको। सिखा रहा। यार बोलिए। वाओ, ये घर है कोई महल। लगता है आपके दोस्त के पास बहुत पैसे है। ओ शहजादा यार, राजकुमार है, लाखों में एक है मेरा दोस्त। ओए लालटेन लेके ढूंढने निकलेगा ना, तब भी इसके जैसा हीरा मिलेगा नहीं। लगता है आप दोनों की दोस्ती काफी गहरी है। गहरी? और नियाग्रा फॉल मालूम है? नियाग्रा फॉल हाँ, है? उससे भी ज्यादा गहरी दोस्ती है हमारी। की हाल चाल है? क्या बात है, आप तो मुझे देखकर क्लीन बोल्ड हो गए जी। क्लीन बोल्ड हो गया, कैच आउट हो गया, स्टंप आउट हो गया, आप लगी कुछ ऐसी रही हो। थैंक यू जी, थैंक यू। चंद्रिका जी। चंद्रिका? ओह चंद्रिका, थैंक गॉड आपका नाम चंद्रिका है। और तेंदुलकर नहीं, तेंदुलकर, गुड जोक। मैं कह रहा था इनसे कि तेंदुलकर अच्छा नाम है, रख लो आप। रख क्यों नहीं लेती? रख लो, आप बोलिए तो रख ही लेते। अरे देख लो अमित। संजय तू अपनी भाभी से नहीं मिला? आजा आजा आजा। भाभी से मिला। नमस्ते 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 अगरकर भाभी जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? अगरकर का क्या नाम है इनका? शशिकला, विद्युत चामिनी, मीनाक्षी गीत अगरकर। बाप रे, ये इन्हीं का नाम है या फिर दो चार जन और आ रहे? यार संजय पाजी की कर रहे हो यार, तेरा सेंस ऑफ हैमर जो है ना, वो बड़ा अलग किस्म का है। देख मालिंगा, कोई मेरी बीवी या उसके नाम का मजाक उड़ा है तो मुझे पसंद नहीं आता, समझा? सॉरी मैक्सवेल जी, मैं तो मजाक कर रहा था। आइंदा संभाल के। कूल डाउन मैक्सवेल पाजी, मुंडा मुंडा छाड़ा है। क्या कर रहे हो यार, पार्टी पार्टी आ गई, और सब लोग डांस करो यार, चलो और चलो सेंटर पकड़ो यार, पार्टी शार्टी करते, और चलो जाओ यार डांस करो यार ना यार, चलो चलो चलो। ओए स्विच कितने आएगा, स्विच स्विच।
पेंटिंग देख के इसकी ऐसी लार टपक रही है जैसे हड्डी देख के कुत्ते की। वाह वाह, ये सब पेंटिंग्स तो मशहूर चित्रकार एवी संधू की है। हाँ, संधू जी की है। और यार संजय, तो पेंटिंग के बारे में इतना कैसे जानता है? पेंटिंग्स आर माय पैशन। ओह, एक एक पेंटिंग 2-3 लाख से कम की नहीं होगी। ओ, पैसे को मारो गोली। और क्या है ना, मेरा दोस्त जो है ना मैक्सवेल, वो पेंटिंग से इतना प्यार करता है जितनी अपनी वाइफ शशिकला विद्युत जामिनी मीनाक्षी गीत आगरकर से करता है। वेरी इंप्रेसिव ब्रो, ये सब पेंटिंग्स भी और आप लोगों के लंबे लंबे नाम याद रखने की कला भी। तो यार है सही। और तुझे बाथरूम नहीं जाना इच्छा करेगा? चलता हूँ, आप भी बड़े मजाकी हो यार। अच्छा अच्छा, ये है बाथरूम। जल्दी करके नीचे आ जा, मैं नीचे जा रहा हूँ। मैं जानता हूँ मुझे कुछ दिन तुम्हें फोन नहीं करना था, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया। अरे लाखों के पेंटिंग की बात है। हाँ, ओरिजिनल है। अरे डुप्लीकेट होती तो चुटकी में पहचान लेता। ठीक है, आधे घंटे में अड्डे में मिलते। ओके यार, बाय। क्या किधर? मैं चलता हूँ, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। अरे इतनी जल्दी क्यों, आधे घंटे में वैसे ही पार्टी खत्म हो जाएगी, सब अपने अपने घर। मुझे बहुत जल्दी उठना है, नानी आ रही है बनारस से, तो उन्हें लेने रेलवे स्टेशन जाना है। अरे नानी आ रही है, तो फिर तो जाना पड़ेगा यार। बिल्कुल, नानी को मेरा प्रणाम बोलियो। चल जल्दी मिलते हैं। मिलते हैं, थैंक यू। अच्छा लगा। नानी को लेने जाना है रेलवे स्टेशन सुबह। अब इसे इसकी नानी हम याद दिलाते हैं। पेंटिंग से यार जबरदस्त। ये देख बिल्कुल। अरे वाह वाह, क्या पेंटिंग से यार, खजाना है खजाना। बॉस देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। इसलिए तो याद आया हूं। तुम्हारे बॉस जब खुश होंगे तब होंगे, पहले आप लोगों को खुश कर देते हैं हम लोग। भागो। संजय पाजी, तू तो बड़ा नलायक निकला और पेंटिंग चोरी करता है। चलो बीरो, पेंटिंग मिलती है तुमको, ले चलो इनको। चल। सर वो तो भाग गए। सर भाग गया, कोई बात नहीं, भाग के जाएगा क्या?
अरे साहब छुट्टा पैसा रख ले। अरे धन्यवाद साहब। मुझे भी बचपन से पेंटिंग का बड़ा शौक था, पर पता नहीं मेरी बनाई हुई पेंटिंग तुम्हें पसंद आएगी कि नहीं, कि उसे चुराने का कष्ट करोगे तुम, इसलिए मैं खुद आया तुम्हारे चेहरे का पेंटिंग करने। कुछ नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं पता साहब, मुझे कुछ भी नहीं पता। इस काम के लिए मुझे पैसे दिए जाते हैं साहब, और इस पेंटिंग से क्या होता है, कहाँ जाती है, मुझे कुछ भी नहीं पता साहब, सच में मुझे कुछ नहीं पता। पर सर इस वेयरहाउस में तो बहुत ही कम पेंटिंग्स हैं। तो बाकी की चोरी की पेंटिंग्स कहाँ? सर वो तो अब तक देश के बाहर भी जा चुकी होगी। देश के बाहर कैसे ले जाया जाता है? समुद्र के रास्ते से जाती है। आज मेरी बीवी ने है ना नाश्ते में गरम गरम पकौड़े बनाए थे। अच्छा कौन से पकौड़े? अरे आलू के, प्याज के, हरी मिर्च के, गरम गरम चाय के साथ में मजा आ गया पकौड़ों का। अरे तो हमारे लिए भी ले आते। हाँ ठीक है अगली बार ले आऊंगा, चल जल्दी से पकड़ वो वाला। सियानी वाले आ गए। ओए बोल ले, चल जल्दी जल्दी निकाल जल्दी। जाएंगे कहाँ? कोस्ट गार्ड को कॉल करके सारी डिटेल्स दे। हेलो सीआईडी। जी हाँ बोलिए। हाँ मैं आन्या बोल रही हूँ, सुहास की मंगेतर आन्या। हाँ बोलिए। सर आप लोगों को और कितना वक्त लगेगा केस सुलझाने में? देखिए लुटेरों को तो हमने पकड़ लिया है,
लेकिन जिन लोगों ने इन लुटेरों को पैसे दिए थे उन्हें पकड़ना बाकी है। अच्छा, फिर तो मुझे यकीन है सर कि आप लोग जल्द से जल्द खूनी को पकड़ लेंगे। देखिए आन्या जी, सीआईडी से आज तक कोई नहीं बच पाया और ना ही बच पाएगा। थैंक यू सर, अगर आप लोग नहीं होते तो पता नहीं हम आम नागरिक क्या करते। थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन सर। श्योर, विल डू दैट, थैंक यू। कोई भी नहीं है, लगता है मेरा वहम होगा। खिड़की तो मैंने बंद कर दी थी, फिर ये खुल कैसे गई? कहीं कोई घर में तो नहीं घुस गया? अन्या दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है? मैंने कहा था उससे कि घर पर ही रहना। अन्या, 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 तुम ठीक तो? अन्या, कहीं अन्या को भी? अन्या, 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 अन्या,
हेलो, आन्या की जान प्यारी है या नहीं? कौन हो तुम लोग और कहां लेकर गए उसे? सवाल पूछने का पावर तेरे पास नहीं, मेरे पास। सुहास को तो टपका दिया मैंने, अब अगर आन्या की जान प्यारी है तो ए, देखो देखो, आन्या को कुछ नहीं होना चाहिए। एक हिंदी फिल्म देखी थी मैंने, जिसमें एक डाकू हीरोइन को कांच के टुकड़ों में नचाता है। अब तो समझ ले कि मैं वही डाकू। अब जब तक तेरे पांव चलेंगे, तब तक आन्या की सांस चलेगी। और अगर सीआईडी को फोन किया तो तू बहुत समझदार है। हेलो हेलो हेलो, अब तक हमने जितने भी लोग पकड़े हैं ना, जितने भी लोग, सब के सब मामूली प्यादे हैं। पैसे देकर चोरी करवाई है उनसे, असली दिमाग तो कहीं और बैठा है, अपनी अगली चाल की तैयारी कर रहा है वो। जितनी तैयारी करना चाहते सर कर लेने दीजिए, कि अगली चाल उनकी नहीं हमारी होगी। हाँ, और हमारी अगली चाल का मोहरा होगा ये संजय। सर मैं कितने बार कह चुका हूं कि मैंने उस इंसान को कभी नहीं देखा है। देखो संजय, सजा तो तुम्हें होकर ही रहेगी, मगर हम तुम्हारी सजा कम कर सकते हैं। सर मैंने तो बस दो दिन पहले उनकी फोन पे हुई एक बात सुनी थी। क्या बात सुनी वो बताओ। वो आदमी बहुत से कह रहा था कि मिस्टर जैको के बैंक अकाउंट में 5 करोड़ रुपए जमा हो गए और वो बहुत जल्द यहाँ आने वाले हैं। 5 करोड़ रुपए जैको के अकाउंट में? जैको कौन है? सर जैको एक इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट किलर है जो हाई प्रोफाइल लोगों को अपना निशाना बनाता है। तो विद्या, अगर इस कॉन्ट्रैक्ट किलर जैको के अकाउंट में 5 करोड़ रुपए जमा हो रहे हैं, ये पैसे उसे किसी को मारने के लिए ही दिए जा रहे हैं, किसी बड़ी हस्ती को। सर अब तक तो हम इसे पेंटिंग की चोरी का केस समझ रहे थे। आश्रया, लेकिन अब ये केस मामूली नहीं रहा, लगता है हमारे देश में बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। तो शायद ये गिरोह पेंटिंग की चोरी इसलिए कर रही है ताकि कॉन्ट्रैक्ट किलर को पैसे दे सके। हाँ दया, उसी लिए तो। बस किसी मासूम की जान जाने से पहले हमें जैको को रोकना होगा। जैको, अब आएगा मजा इस खेल में, तबाही मचेगी तबाही। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।